बिना किसी सिक्योरिटी के अनसिक्योर्ड लोन देने से देश की वित्तीय हालत खस्ता होती जा रही है। अगर देश में एनपीए को कम करना है तो इसके लिए लोन देते समय अच्छे वैल्यूअर्स की रिपोर्ट के साथ साथ सिक्योरिटी को अनिवार्य करना होगा ताकि देश के बैंक एनपीए का शिकार ना हो। सर सब तो बड़ी एक चीज़ देखने वाली हैगी है ये वैल्यूएशन दे विच, ये असीं तो कॉरपोरेट वैल्यूएशन कहने हैं जी। ये जिहड़ी वैल्यूएशन है इहदे विच गवर्नमेंट कोल सिक्योरिटी नहीं पई, जिहड़ा पैसा दिता है बिना सिक्योरिटी तो पैसा दिता जाता है बंदे की शक्ल देख के बंदे के कनैक्शन देख के। जिदा उन्हें कपिल जी ने दसा कि 43% ऑफ द लोनस जोड़े एन पी ए हुए हैं 43% वो ये लोन है जी। जो हाउसिंग लोन है वो बहुत घट हों, जिदा तुहाडे मेरे वर्गा एक गरीब आदमी लोन जाता बैंक तो लैन, बैंक कहना भी 10 लाख लोन लेना, मैंने 20 लाख दी तो कोई चीज़ रख दे मैं तुम 10 लाख रुपये दे दूँगा। तुम आपका 10 लाख रुपया तो मोड़ दौ जी कि थोड़ी 20 लाख की चीज़ पई है, इन्होंने तुम 25 पैसे की चीज़ नहीं पई जी, तो ही स्कैम हो रहे जी। सर हुण जिहड़ी सरकार अपनी आई है जे आप क्लोजली स्टडी कर रहे हैं, मैंने जिदा मैंने थोड़ी जिनी समझ है मैंने समझ आ रही कि इन्होंने बहुत अच्छे स्टैप लाए हैं, जिदा कि इन्होंने नवे लॉस कढ़ने की कोशिश की, बट प्रॉब्लम यह आ जाती है जे गवर्नमेंट की सोच अच्छी है तो जिहड़ा गवर्नमेंट अदारा उन्हें कर रहा है उसकी सोच अच्छी है। सर असी इन पार्लियामेंट के पेश करने असी लोग सभा के पटीशन दी हुई है, बहुत जल्दी मेरे हिसाब से मे बी 1 साल तो पहला ही ये आ जाएगा एक्ट, फिर देखना गवर्नमेंट के हाथ कितने मजबूत होंगे।